जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, बहती हवा और चारों तरफ फैली हरियाली पृथ्वी पर जीवन का चिन्ह होती है। इस हरे सुमधुर वातावरण की हवाओं में बहती पेड़ों की खुशबू, वातावरण में उभरते प्राकृतिक स्वर एक समृद्ध जैव विविधता की पहचान माने जाते हैं। इन वनों में विचरण करते पक्षी, तितलियाँ और अन्य हमें एक ऐसी दुनिया में ले आते हैं जो भगवान द्वारा हमारे लिए रची गई है। पर अगर हमें ये मालूम पड़े कि ये जंगल पहाड़ प्राकृतिक नहीं है बल्कि मनुष्य द्वारा 30 सालों के अथक प्रयास और जज्बे से निर्मित है, तो हमारे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्वांचल में मौजूद ऊर्जा नगरी सिंगरौली में मौजूद मनुष्य द्वारा लगाए जा रहे जंगलों की, जहां मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा कोयला खदानों से निकले वेस्ट ओवरबर्डन डंप पर सफल वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड कोयले का खनन करके उसे बिजली व अन्य जरूरतों के लिए भेजता है और ये कोयला खनन ओपन माइंस पद्धति से किया जाता है, जिसमें रोज सैकड़ों टन मलबा निकलता है। इस मलबे को ओवर डंप वेस्ट कहा जाता है, जिसे बड़े डंपर द्वारा अन्य स्थानों पर इकट्ठा किया जाता है। कुछ ही समय में ये मलबा फिसलन भरे नुकीले खड़े पहाड़ों में परिवर्तित हो जाता है। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स द्वारा सन 1990 में इन वीरान पहाड़ों पर वृक्षारोपण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को सौंपी, जिसमें दो तरह के वृक्षारोपण करने थे, एक सामान्य सतह पर और दूसरा ओवरबर्डन डंप पर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का गठन वर्ष 1975 में कंपनीज एक्ट के तहत हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के रीफा सीधी परियोजना मंडल द्वारा सिंगरौली क्षेत्र के नॉर्दर्न कोल फील्ड्स की खुली खदानों की समस्त 6 परियोजनाओं तथा एनटीपीसी के क्षेत्रों में वर्ष 1990 से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। रीवा सीधी परियोजना मंडल सीधी द्वारा एनटीपीसी एवं एनसीएल क्षेत्र में कराए जा रहे डिपॉजिट रोपण से पर्यावरण संतुलन में काफी सुधार हुआ है। यहाँ वृक्षारोपण इतना आसान नहीं है जैसा लगता है। इसके लिए डंप वेस्ट पर 30 डिग्री से 70 डिग्री खड़ी ढलान वाले पहाड़ों पर ऊपर से नीचे की ओर 2-2 मीटर पर चिन्हांकन कर 1 मीटर चौड़े स्टेप बनाए जाते हैं, जिन पर 2-2 मीटर के अंतराल में गड्ढे खोदे जाते हैं। फिर सिर बोझ द्वारा प्रत्येक गड्ढे पर पौधा पहुँचाया जाकर रोपित किया जाता है। अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में कुछ पौधे भूस्खलन से नष्ट हो जाते हैं, जिनकी जगह प्रत्यारोपण किया जाता है। स्टेप निर्माण कार्य बहुत ही कठिन एवं जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हमेशा खतरा बना रहता है कब कौन मजदूर चोटिल हो जाए या ऊपर से स्लिप कर जाए, नीचे चला जाए। इन वृक्षारोपणों में महिला श्रमिक भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। इन वृक्षारोपण को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा 5 वर्षों तक रखरखाव कर नॉर्दर्न कोल फील्ड्स को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब हम लोग शुरुआत में आए तो इनको पहले लेबर को ट्रेंड किया गया और ऊपर से स्टेप बना करके जब हम पौधे लगाए तो कुछ दिनों बाद, 1-2 वर्ष के बाद यहाँ हरियाली दिखने लगी। और आज की स्थिति में ऐसा है कि यहाँ पशु पक्षी भी अलौट आए हैं और पेड़ भी बड़े बड़े हो गए हैं। हम लोग देख के काफ़ी हर्षित होते हैं अपने आप में। अब बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे लगाए हुए पौधे हैं। वर्तमान में सिंगरौली जिले के ओवरबर्डन डंप में लगे हुए हर जंगल में मौजूद 1,60,00,000 पौधे इस बात की जीवंत उदाहरण है। ये वृक्षारोपण दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ी ढलानों पर विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों एवं रीवा सिद्धि परियोजना के शासकीय सेवकों तथा वृक्षारोपण में संलग्न श्रमिकों की कड़ी मेहनत एवं लगन के सफलतम प्रयास का अनूठा उदाहरण है। आज दुनिया में जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक वनों पर मानव समाज का दबाव बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में मानव निर्मित वन पर्यावरण संतुलन की ओर एक सार्थक प्रयास सिद्ध होंगे। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का ये प्रयास एक अनूठा उदाहरण है, जो विश्व के अन्य ओवरबर्डन डंप के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगे।